हेलो एवरीवन, मैं हूं नील सिवाल और दीप अरोड़ा और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका चैनल आपने देखा, स्ट्रीट फूड लग्जरी। अगर आप भी है खाने पीने के शौकीन तो अभी जाए और यूट्यूब पर सर्च करें स्ट्रीट फूड लग्जरी और ये चैनल और इसके कंटेंट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सारे कंटेंट्स को अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स सभी के साथ करें शेयर। तो अभी जाए और यूट्यूब पर सर्च करें स्ट्रीट फूड लग्जरी और उसे करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप, मजे में? चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू आर वाचिंग चाय बस्टर, जहां चाय पर होता है हर वक्त कोई ना कोई धमाल। और आज का एपिसोड, आज का ये जो व्लॉग है वो होने जा रहा है कुछ जरा सा खास। जी हां, जानवरों को याद फिर से आपको ताजा करवाएंगे। और आज हम खड़े हैं इंडिया के सबसे पुराने जूलॉजिकल गार्डन यानी कि अलीपुर जू में। हैव अ लुक। अलीपुर वन्य प्राणी उद्यान, जिसे कोलकाता चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है, कोलकाता के अलीपुर इलाके में स्थित है, जो कि पड़ता है कोलकाता की फेमस भूतहा नेशनल लाइब्रेरी के करीब। इसे भी किसी दिन हम एक्सप्लोर करने की कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल आज हम सफर शुरू करते हैं कोलकाता अलीपुर जू का और लेते हैं सबसे पहले टिकट्स। एंट्री के साथ ही हरे भरे बागों को देखकर मन खुश हो जाता है। अपने परिवार के साथ और बच्चों के साथ यहाँ आने के लिए ये एक बहुत ही आदर्श जगह है। पिकनिक स्पॉट कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बंदरों की एक खास प्रजाति बबून्स की आवाज ने हमें एक पिंजरे की ओर खींच लिया और उस पिंजरे में बैठा था बंदरों का बाप यानी कि चिंपैंजी। लेकिन इससे पहले कि हम इसके दर्शन का उतना लाभ उठा पाते, वो भाग गया पिंजरे के अंदर। ये बबून्स का शोरगुल है लेकिन हम उस तरफ नहीं जा सकते और ये बिल्ली खुद को खुजाते हुए। So these are the zebras. पीछे से कोई अलजेब्रा भी बोल रहा है इसको। खैर जो भी है, यही है। पहले ये जो फेंस और ये जो बार्स बनाई हुई है, जालियाँ, ये नहीं थी और इनके बजाय जो है थोड़े दलदल वाले जो खड्डे हैं वो बनाए हुए थे। बबून्स की भी बीच बीच में आवाज़ पीछे से आ रही है। एंड दिस वॉज द अल्डब्रा टॉर्टोइज, अद्वैत इसका नाम था। अब सिर्फ इसका खोल बचा हुआ बेचारे का। अद्वैत नामक इस कछुए ने विश्व रिकॉर्ड किया है अपने नाम। जी हाँ, 250 सालों तक जीकर इसने ये कीर्तिमान हासिल किया है। ये है अब तक पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जिंदा रहने वाला प्राणी। लेकिन दुखद खबर ये है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये साइड व्यू भी देख लीजिए इसका आप। और ये है ऑस्ट्रेलियन प्राणी कंगारू, जिसके पेट पर एक थैली बनी होती है जिसमें मादा कंगारू अक्सर अपने बच्चों को कैरी करती हैं। अच्छा, ये वो है, एकदम सही पहचाना आपने, बताने की जरूरत ही नहीं है। हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो ऐसे ही बहुत ज्यादा होशियार हैं। टाइगर सिली सेड सर इसका, अब आपको याद आ गया होगा। सांभर का नाम बताने की जरूरत नहीं है। ये उंगते हुए चलो ठीक है, आराम से आराम करो, कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरे जानवरों को ढूंढते हैं। ये और भी यहाँ बैठे हुए हैं, घर ले जाएंगे। चलो भाई घर चलो, आ जाओ। बीच में अल्फा बैठा हुआ है क्या? हालांकि इसके बारे में हमने सरिस्का वाले एपिसोड में काफ़ी कुछ बताया है, तो इन प्राणियों को हम रिपीट मोड पर नहीं लेंगे। ये ग्राह है, ग्राह मगरमच्छ जिसे कहते हैं, क्रोकोडाइल। यहाँ भी सनबाथ लेते हुए वहाँ पे भी सनबाथ ले रहा था।
बड़े महंगे शॉप पाल रखे हैं इन्होंने। ठीक है लो भैया लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये घड़ियाल है, एक ये है और एक पीछे में है। साइज देखिए इसकी। ये एक अलग चैम्बर बनाया हुआ है सरीसृपों के लिए, यानी रेप्टाइल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। हालांकि हमारा इनमें खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको तो दिखाना पड़ेगा। वैसे भी यहाँ कुछ खास नज़र आया भी नहीं। सांपों का घर है और इन सांपों को ढूंढने में हम खुद सांप बन गए थे। कई बिलों में झांकने के बाद ही इक्का दुक्का सांप ही हमें नज़र आया और फिर हमने यहाँ से निकल लेने में भलाई समझी। और ये है दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली, मॉनिटर लिजार्ड। अरे भाई थोड़ा हिलो डुलो, पता कैसे चलेगा तुम जिंदी हो। देखो कहावत है कि आलस कबहू न कीजिए, आलस तन को खाए। आगे की लाइन ही याद नहीं है, छोड़ो पड़ी रहो, तुम ऐसे ही पड़ी रहो, हम चलें आगे। अच्छा तुम लोग भी नहीं हिलोगे। और ये है वन हॉर्न राइनो। अरे बेटे गैंडे गैंडे, क्या पता क्या दवा हुआ दी हुई है, ये इन्हें सब सो रहे हैं, सुस्ता रहे हैं। गैंडे ठीक है, ओके, तुमने कान हिलाए वो बहुत बढ़िया बात है, तुमने हमारा मान सम्मान रखा। टेक केयर, बाय बाय। हालांकि बहुत ही सटीक कहावत है, चीता भी पीता है, क्या पीता वो नहीं पता हमें, लेकिन अभी पी कर सोया हुआ है गहरी निद्रा में, नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन एक जगुआर ने हमारी ख्वाहिश कर दी पूरी हमारे एकदम करीब आकर। साथ साथ झालाना लेपर्ड सफारी की याद भी ताजा हो आई, याद है ना आपको वो एपिसोड। और अगर याद नहीं भी है तो नीचे चले जाएं, यानी कि इस वीडियो के 6-7 वीडियोस नीचे वो एपिसोड आपको मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि हम और भी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। हालांकि ये जो हिम्मत अभी दिखाई जा रही है ये उस वक्त नहीं थी जब हम झालाना में जीप की सफारी कर रहे थे। 1 मई 1876 को इस चिड़ियाघर को लोगों के लिए खोला गया था। तकरीबन 150 वर्षों से आज भी बड़ी मात्रा में लोग यहाँ रोजाना आते हैं। ये हैं वाइल्ड कैट्स, यानी कि हमारी घरेलू बिल्लियों से साइज में जरा सी बड़ी। और ये है हमारी घरेलू बिल्ली यानी कि स्मॉल कैट, और ये है सबसे बड़ी बिल्ली यानी कि टाइगर, वो भी वाइट टाइगर। टाइगर पिंजरे में था। ये है रॉयल बंगाल वाइट टाइगर, लेकिन सच मानिए इसे पिंजरे में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन हाँ एक बात और है, इसे 2.5 फुट करीब से देखकर भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो हमारी पुरानी फैमिली है यानी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं हमारा अनुभव सरिस्का टाइगर रिजर्व का, और जो नहीं जानते हैं तो हमने किया था सामना एक खूंखार बाघ से। अगर आप भी जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं वो अनुभव, तो वो एपिसोड आपको 2-3 एपिसोड नीचे ही मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। फिलहाल तो हम लुत्फ उठा रहे थे क्योंकि टाइगर इस बार हमारे सामने नहीं पिंजरे के भीतर था, लेकिन सच मानिए दिल से बुरा लग रहा है। अपने पारंपरिक रंग में बंगाल टाइगर, इन्हें देखिए ऊँग रहे हैं ये भाई साहब। इसे देखकर मुझे अपनी बेबो की याद आ गई। ये भी मजबूरी और लाचारगी का ही एक नमूना है
कि जंगल का जो राजा होता है यानी शेर, उस पर भी भारी पड़ने वाला बाघ इस तरह पिंजरे की बजाय शोकेस में एक शो पीस बना बैठा है। लंच और डिनर के नाम पर कुछ मांस के लोथड़े मिल गए और यही है जीवन यापन। रोजाना अलग अलग इंसानों को देखकर ये भी सोचता होगा, क्या करूं, किसको खाऊं। ये अगर घर में रख सकते हो तो, लेकिन लाइसेंस चाहिए। बहुत सारे लोग ये है दुनिया के सबसे महंगे पक्षी पकाऊ, माफ कीजिएगा मकाऊ। धरती पर तोतों की तकरीबन 370 प्रजातियां हैं, उनमें सबसे बड़ी प्रजाति है मकाऊ। साउथ अमेरिका के घने जंगलों में पाए जाने वाली ये खास प्रजाति की खास बात यह है कि ये इंसान की आवाज की हूबहू नकल कर सकते हैं और इनकी चोंच इतनी कठोर होती है कि ये कड़े से कड़े, कठोर से कठोर फलों को अपनी चोंच से तोड़ देते हैं। और ये बैठे हैं भाई साहब ब्लैक स्वान, काला हंस। हिप्पोपोटामस यानी कि दरियाई घोड़ा, दरिया में ही पड़े रहना जिसका शौक है। और ये है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी एमू। देखने में ऑस्ट्रिच जैसा है लेकिन उससे बिल्कुल जुदा, एकदम अलग। हालांकि भगवान ने इसे पंख तो दिए हैं लेकिन ये भी उड़ पाने में असक्षम है, शुतुरमुर्ग की तरह। अलीपुर चिड़ियाघर में कई अलग अलग प्रजाति के जानवरों और सरीसृपों रेप्टाइल्स के साथ साथ कई पक्षियों की भी प्रजाति आप देख पाएंगे। धनेश यानी कि हॉर्नबिल, इसकी चोंच नीचे की ओर घूमी रहती है और चोंच के ऊपर उभरे हुए उभार के कारण इसको हॉर्न यानी सींग, बिल यानी चोंच, हॉर्नबिल के नाम से जाना जाता है। ये है जंगल के राजा की वाइफ यानी कि जंगल की रानी हमें ताड़ते हुए। पशु पक्षियों की कई देशी विदेशी प्रजाति यहाँ देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ हजारों लोग रोजाना इन्हें देखने को आते हैं। और अब वक्त है हाथी राजा के, आइए इनके दर्शन भी करवाते हैं आपको। मदमस्त हाथी। वैसे हाथी बोले तो हाथी गांव में हमने हाथियों के बारे में काफी कुछ आपको बताया था, लेकिन पुनः आपको स्मरण करवा दें, हाथियों को ज्यादातर आप कीचड़ में लोट पलोट करते हुए या धूल या मिट्टी को अपने सर पर उड़ाते हुए देखेंगे, ये इनके लिए सनस्क्रीन का काम करता है। अगर आप भी हाथियों को करते हैं पसंद तो हाथी गांव वाला हमारा एपिसोड अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखिएगा। क्या आपको पता है हाथी की सूंड उसके लिए एक वरदान है जो उसे जिंदा रखने में बहुत ज़्यादा सहायक है। हाथी अपनी सूंड से पानी की गंध को 415 किलोमीटर दूर से सूंघ लेता है और ये है हाथी का डाइट चार्ट। अच्छे खासे क्षेत्रफल में फैला हुआ ये चिड़ियाघर घूमते घूमते आप कब थक जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। अब हमें भी थोड़ी थकान महसूस होने लगी थी लेकिन एक दो जानवर जो बचे हैं उन्हें देखकर हम भी निकलते हैं घर। और ये है एक विशाल काय पिंजरा जिसमें कई प्रजातियों के पक्षी एक साथ कलरव कर रहे हैं और एक साथ बैठे हुए हैं। इनकी भी मीटिंग्स चल रही हैं कि आज शाम को क्या खाना है। मौसम अगर अच्छा है तो आप इस चिड़ियाघर में सुबह 10 बजे आकर शाम को 5:30 बजे तक समय व्यतीत कर सकते हैं। छोटे बच्चों के खेलने के लिए यहाँ कई बाग बगान बगीचे हैं, सोविनियर शॉप्स हैं जहाँ पर आप चिड़ियाघर से रिलेटेड जानवरों के बारे में दी हुई जानकारियों की कई किताबें और बहुत कुछ खरीद सकते हैं। हालांकि ठंडी के मौसम में यहाँ भीड़ देखने लायक होती है और एक बार रिकॉर्ड तोड़ भीड़ दर्ज की गई थी जब चिड़ियाघर में एक ही दिन में तकरीबन 1,10,000 लोगों ने
अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। साफ सफाई के साथ साथ जानवरों के खान पान का अच्छा ख्याल रखा जाता है इस अलीपुर चिड़ियाघर में। और इसके साथ साथ अगर आप भी इच्छुक हैं किसी जानवर को एडॉप्ट करने का, चाहे वो छोटा सा मंगूज हो या बड़े से बड़ा हाथी, तो आप उसे गोद ले सकते हैं, यानी एडॉप्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो रहेंगे तो यहीं, लेकिन उनके साल भर का खर्चा पानी आप उठाएंगे। फिलहाल खर्चा नहीं, पानी भी नहीं, चाय बुझाएगी हमारी प्यास। गर्म मिजाज होने के बावजूद होठों के पास है, इसीलिए तो ये चाय इतनी खास है। जिंदगी में ऊंच नीच चलती रहती है। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को खुलकर जिए, किसी भी दिन को कोसिए मत, क्योंकि आने वाला दिन या तो खुशियां लेकर आएगा या अनुभव। और आज का अनुभव आपका कैसा रहा कोलकाता चिड़ियाघर का, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसके अलावा आप क्या देखना चाहते हैं वो जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी मंशा सर आंखों पर। अगर सांसों ने दी साथ तो फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक वेरी बेस्ट ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।